हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर 11th क्लास एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स। तो 4 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 5th चैप्टर का नाम है लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि ये म्यूरल्स थे क्या। तो जब भी म्यूरल्स की बात आएगी ना, तो इसका मीनिंग समझ लो पहले। तो म्यूरल्स जो होते हैं ना, ये क्या किया जाते हैं, जैसे कोई भी घर होता है उसकी एक तो दीवारें आ जाती हैं, ठीक है, और ऊपर से छत यानी कि सीलिंग आ जाती है, तो उसके ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ कर दी जाएगी तो उसको बोलेंगे म्यूरल। अब म्यूरल ड्रॉ करने के भी यहाँ पे 2 तरीके हुआ करते थे। एक को कहा करते थे ये लोग फ्रेस्को, और दूसरा हुआ करता था टेम्पेरा। ठीक है, फ्रेस्को नाम से ही पता लग रहा है, फ्रेश। ठीक है, तो फ्रेस्को में क्या किया जाता था, जो प्लास्टर होता है ना वो अप्लाई किया जाता था दीवारों पे या छतों पे, और उसको वेट ही रखा जाता था, गीला ही रखा जाता था, और उसके ऊपर फिर जो भी ड्रॉ करना होता था वो ड्रॉ कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि वेट प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग करी जाती थी। वहीं पे जब टेम्पेरा देखोगे तो टेम्पेरा में क्या किया जाता था, प्लास्टर के साथ ना कुछ बाइंडर मिक्स कर दिए जाते थे, बाइंडर, ताकि वो चिपक जाए प्रॉपर दीवार के ऊपर, और फिर उसको ड्राई किया जाता था कुछ दिनों तक, और ड्राई करने के बाद इसको ड्रॉ किया जाता था। ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्को एंड टेम्पेरा। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो अजंता के बारे में हम बात कर चुके हैं, एलोरा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अजंता हमने देख ली थी कि कौन से रिवर के बैंक पे थी, वगोरा रिवर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ज्यादा किसको ओरिएंटेड थी, तो बुद्धिज्म रिलीजन को ओरिएंटेड थी। वहीं पे एलोरा केव्स जब हमने देखी, तो एलोरा में 3 रिलीजन हमें दिखते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख रखी है। तो बोलते हैं कि जैसे ही अजंता केव्स बन जाती है, 5th सेंचुरी CE के आसपास बोला जाता है इसकी बाइंडिंग हो गई थी, मतलब कंप्लीशन कर दिया गया था काम का। तो उसके बाद हमें बहुत कम पेंटिंग्स मिलती हैं, बहुत कम ऐसी साइट्स मिलती हैं जहाँ पे पेंटिंग सर्वाइव की हो। ठीक है, कोई वैल्यूएबल एविडेंस हमें जो मिलता है वो बहुत कम जगहों से मिलता है। ये भी बोला जाता है कि जो स्कल्पचर थे उनको पेंट कर दिया गया था फर्दर। ठीक है, देवर प्लास्टर्ड और उनके ऊपर पेंट कर दिया गया था। और ये जो केव एक्सकवेशन का ट्रेडिशन था ये कंटिन्यू रहा, और स्कल्पचर भी चलते रहे, पेंटिंग्स भी चलती रही साइमल्टेनियसली, यानी कि अब सारा इकट्ठा ही चलने लगा काम। सबसे पहले आज देखेंगे बादामी के बारे में। ठीक है, जो बादामी केव्स हैं कहाँ पे मिलेंगी आपको, कर्नाटका के अंदर मिलेंगी। बेसिकली ये जो बादामी थी ना, इट वॉज द कैपिटल, चालुक्यन डायनेस्टी आप पढ़ते हो ना एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, तो चालुक्यन डायनेस्टी जब आप देखते हो तो उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो बादामी थी, और नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ गया, बादामी केव्स। चालुक्यन डायनेस्टी रूल करते हैं 543 CE से लेके 598 CE तक, तो ये इनका रूलिंग पीरियड रहता है। इससे पहले कौन थे, तो वाकाटका थे। वाकाटका का डिक्लाइन हुआ था और उसके बाद चालुक्यंस ने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था पूरे के पूरे डेक्कन एरिया में। उसके बाद जो चालुक्यन किंग हैं जिनका नाम है मंगलेशा, मंगलेशा ने पेट्रोनाइज किया था कि हम बादामी केव्स को एक्सकवेट करेंगे, यानी कि फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। और ये यंगर सन थे चालुक्यन किंग पुलाकेसी वन। पुलाकेसी वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द चालुक्यन डायनेसिटी। तो ये जो मंगलेशा थे ये किसके पुत्र थे, तो पुलाकेसी वन के थे। और भाई किसके थे, तो कीर्तिवर्मन वन के थे, कीर्तिवर्मन वन के भाई थे। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन मिलती है हमें केव नंबर 4 के अंदर। किसके अंदर, केव नंबर 4 के अंदर, जो कि एक डेट को मेंशन करती है 578 से लेके 579 CE, यानी कि एक दौरा यहाँ पे दिखाया गया है। वो डिस्क्राइब कर रहा था कि कितनी ब्यूटीफुल केव्स ड्रॉ करी गई हैं, उनके अंदर कितनी ब्यूटीफुली जो इमेजेस हैं वो ड्रॉ करी गई हैं, और इमेजेस किसकी हैं स्पेशली, तो विष्णु की। तो जो बादामी की केव नंबर 4 है उधर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला, टाइम पीरियड वहाँ पे लिखा हुआ था 578 से 579 CE, और उस केव को बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया था और डेडिकेशन देखी गई थी टुवर्ड द इमेजेस ऑफ विष्णु, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें विष्णु की इमेज मिल जाती है। अब बोला जाता है कि जो वैष्णव जो सेक्ट था ये जब फ्लरिश कर रहा था, तो मे भी ये जो केव थी उसी टाइम पे एक्सकवेट करी। ठीक है, तो इसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो इसी वजह से इस केव को और क्या बोला जाता था, केव नंबर 4 को, तो विष्णु केव। ठीक है, अब इस पेंटिंग के ऑल दो फ्रेगमेंट्स ही हमें मिलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी पेंटिंग नहीं बची हुई है, बस उसके कुछ फ्रेगमेंट्स बचे हुए हैं। और जो रूफ था यहाँ पे वो वॉल्टेड था। वॉल्टेड रूफ कैसे होता है, जैसे देखो ये नॉर्मल छत है, इसके बीच में ना रिब्स बना दी जाएंगी, लकड़ियाँ जोड़ दी जाएंगी आपस में, और रिब लाइक अपीयरेंस मिलेगी, जिसको बोलते हैं वॉल्टेड रूफ। और मंडप के ऊपर बेसिकली आप नोटिस करोगे कि कैसा था, वॉल्टेड रूफ था। मंडप यानी कि वो जो खुला सा हॉल होता है वहाँ पे आपको वॉल्टेड रूफ मिल जाएगी।
साइड में अगर आप पेंटिंग देखोगे, ये तो क्वीन, एक क्वीन रिप्रेजेंट करी गई है और साथ में उसकी अटेंडेंट्स दिखाई गई हैं, ठीक है। होता नहीं था कि मेकअप कर रही होती थी, कोई बाल बना रही होती थी, तो ये भी आपको बादामी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद ये जो पेंटिंग मिलती है इन केव के अंदर, तो ये डिपिक्ट करता है हमें पैलेस के सीन्स, एज यू सी कि यहाँ पे क्वीन दिखाई गई है और बहुत सारी उसकी अटेंडेंट्स है साइड में, तो मतलब पैलेस यानी कि महल वगैरह के सीन्स काफी ज्यादा आपको इन पेंटिंग्स के अंदर मिलेंगे। एक शो करती है कि जो कीर्ति वर्मन है और जो कि सन है किसके, पुलकेसी वन के, और मंगलेशा के भाई हैं, ठीक है, ठीके? और फादर कौन है इनके, तो पुलकेसी वन एंड एल्डर ब्रदर ऑफ मंगलेशा, ये देखो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो वो बैठे हुए हैं पैलेस के अंदर अपनी वाइफ और फ्यूडिट्रीज के अंदर, फ्यूडिट्रीज के साथ, और डांस के सीन को देख रहे हैं, ठीक है। आगे डांस कर रही हैं लेडीज, तो उनको देख रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के। और कॉर्नर की तरफ देखोगे तो वहाँ पे फिगर्स बनाई गई हैं इंद्रा की और उनके रेटिन्यू की, ठीक है, जो उनके फर्दर अवतार होते हैं। तो उनके स्टाइलिस्टिकली देखें अगर, तो ये जो पेंटिंग्स थी ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सटेंशन बताती हैं कि जो म्यूराल पेंटिंग्स थी अजंता से लेके बादामी इन साउथ इंडिया तक किस तरह से एक्सटेंड करी। जहाँ पे हम अजंता केव्स देख रहे थे, ठीक है, इधर हमने अजंता केव्स देखी, तो साउथ इंडिया में भी आप देखोगे कि म्यूराल्स जो हैं वो भी बन रहे हैं। और लाइंस वाले पैटर्न काफी ज्यादा मिलेंगे, इस तरह से लाइंस, और ऐसे दिखाई जाएंगी लाइंस जैसे फ्लूइड चल रहा हो, जैसे रिवर चलती है ना इस तरह से, सॉरी, जैसे रिवर चलती है ना इस तरह से फ्लूइड फॉर्म में, तो वैसे ही इनमें पेंटिंग्स में आप देखोगे कि बहुत प्रोफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली, बहुत मेच्योरिटी से आर्टिस्ट ने ये सारी चीजें ड्रॉ करी हैं ड्यूरिंग द 6th century CE। किंग और क्वीन हमें अजंता केव्स की ही याद दिलाता है, काफी स्टाइलिस्टिकली उनको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद अब देखो ये फेस होता है ना, यहाँ पे आपकी आंखें होती हैं, आंखें भी कैसे, बीच में आंखें होती हैं सॉफ्ट वाला पोर्शन, तो ये जो बाहर का सर्कल है ना, दैट इज द सॉकेट बेसिकली, ठीक है, दिस इज द सॉकेट जिसके अंदर आंख रखी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो दैट इज द सॉकेट। तो बोला गया अब जो आई सॉकेट्स है ना काफी बड़े बड़े दिखाई गए हैं, और आईज जो है वो आधी बंद है, आंखें आधी बंद है, लिप्स जो है वो बाहर को दिखाए गए हैं, थोड़े से प्रोट्यूडिंग है, थोड़े से बाहर को निकलते हुए दिखेंगे आपको। और जो फेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो आप देखोगे कि प्रोड्यूडिंग दिखाए गए हैं, बाहर को ज्यादा दर्शाया गया है। इन शॉर्ट सिंपल लाइन ट्रीटमेंट आर्टिस्ट ने यूज करा है ताकि वॉल्यूम क्रिएट करा जा सके, यानी कि जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, तो ड्राइंग करते थे कुछ तो होती है कि जैसे स्किन कलर है, ठीक है, तो स्किन कलर ही ड्रॉ कर दिया, पर कुछ में क्या किया जाता है, पहले ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करी जाती है, फिर अंदर कलर फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आर्टिस्ट ने पहले आउटलाइंस करी फिर अंदर कलर फिल करे हैं, ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद आ जाओ आगे, दैट इज द म्यूरल्स जो कि हमें पल्लवा पांड्य और चोला, ठीक है, पल्लवा पांड्य और चोलास के टाइम पे मिलते हैं। अब ये जो पेंटिंग्स का ट्रेडिशन था ये साउथ में भी काफी ज्यादा फैल चुका था, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, सीतन वसल केव्स आपने सुनी होंगी, सीतन वसल केव्स, ये न्यूज में भी थे 2023 में। क्यों थी? क्योंकि इनके जो म्यूरल्स हैं वो खराब हो रहे थे, बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं ना तो इनके ऊपर लिखने लग जाते हैं, सो दैट इज वेरी बैड थिंग, क्योंकि इनके ऊपर लिखना नहीं चाहिए, ये पुरानी हेरिटेज है हमारी, तो उसकी वजह से खराब हो रही थी चीजें, कई जगह पे फेड हो रही थी। तो ये सीतन वसल केव का ही एक आपको पेंटिंग दिखाया गया है, और किसके टाइम का है, तो पांड्य पीरियड का टाइम का है, ठीक है, 9th century CE के आसपास। इसके बाद आप नोटिस करोगे कि डिफरेंट रिजीम्स आए, जैसे पल्लवा पांड्य एंड चोला डायनेस्टी, इनके टाइम पे आप नोटिस करोगे काफी सारी पेंटिंग्स ड्रॉ करी गई। तो अब ये जो पल्लवा किंग्स थे ना, इन्होंने चालुक्यन किंग्स को ही आगे सक्सीड किया था, मतलब पहले आए वाकाटक, फिर आए चालुक्य, फिर आ जाते हैं पल्लवा किंग साउथ इंडिया के अंदर स्पेशली, ठीक है। उसके बाद ये भी जो आप देखोगे पल्लवा किंग में एक इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन वन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, महेंद्र वर्मन वन, इन्होंने 7th century के आसपास रूल किया था, और इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स भी बनवाए। नेक्स्ट चैप्टर में हम टेंपल आर्किटेक्चर ही पढ़ेंगे, कहाँ पे बनवाए, तो एट पन्नामलाई, मंडगापट्टू और कांचीपुरम, ठीक है, तमिलनाडु के काफी सारे हिस्सों में इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, जैसे कि पन्नामलाई, मंडगापट्टू, कंचीपुरम, और इंस्क्रिप्शन भी मिलती है हमें मंडगापट्टू में, जहाँ पे महेंद्र वर्मन वन को बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि इनको आर्टिस्ट वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे कि कैसे कैसे टाइटल मिले, विचित्र चिता यानी कि क्यूरियस माइंडेड, विचित्र चिता को बोला गया क्यूरियस माइंडेड। मैं ना इसकी एक पेज के ऊपर लिख के आपको शॉर्टकट में सारी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम से उसको ले लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक तो हमने देख लिया क्या टाइटल दिया गया महेंद्र वर्मन वन को, तो विचित्र चिता,
यानी कि क्यूरियस माइंडेड। उसके बाद दूसरा टाइटल दिया गया दैट इज चित्रकाराबोली टाइगर अमंग द आर्टिस्ट, ठीक है, चित्रकाराबोली यानी कि टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। इसके बाद चैत्यकारी, चैत्यकारी जो होता है, चैत्य मतलब टेम्पल एंड कारी मतलब कोई बिल्डर है, तो चैत्यकारी टेम्पल बिल्डर जो इनका इंटरेस्ट बताता है कि आर्ट एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा था। इसके बाद आप पेंटिंग्स देखोगे इन टेम्पल्स के अंदर, तो अभी तो फ्रेगमेंट्स ही बचे हुए हैं उनके भी, बट स्टिल यू विल सी कि टेम्पल्स के अंदर पेंटिंग्स भी थी। जो पन्नामलाई जगह देखी अभी हमने जहाँ पे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, तो जो पन्नामलाई में फिगर बनाई गई है वो फीमेल डिविनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और जो पेंटिंग्स आपको कांचीपुरम टेम्पल्स में मिलेंगी, ये भी पल्लवा किंग ने पेट्रोनाइज किए थे। कौन से किंग स्पेशली, तो राजा सीमा, ठीक है, राजा सीमा ने यहाँ पे काफ़ी सारी जो पेंटिंग्स थी टेम्पल्स के अंदर कांचीपुरम के अंदर उनको पेट्रोनाइज किया। पर इन पेंटिंग्स के भी कुछ ट्रेसेस ही बचे हैं अब, और किसको डिपिक्ट करते थे ये, तो सोमास कांडा को रिप्रेजेंट करते थे, डिपिक्ट करते थे। यहाँ पे फेसेस आपको राउंड मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे, लाइंस जो होंगी वो काफ़ी रिदमिक ड्रॉ करी गई हैं, और जो ऑर्नामेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है जब उसको हम किसी पेंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं इन द अर्ली पीरियड, ठीक है। उसके बाद डिपिक्शन करी गई है टॉर्सो, ये जो आपका पैर का तलवा होता है ना, इसकी डिपिक्शन भी करी गई है। ये जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही है, बट अभी लंबे लंबे पैर दिखाए गए थे, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता था कि टॉर्सो, सॉरी ये जो धड़ वाला एरिया होता है, मैंने गलत बोल दिया, पैर को ही बोल दिया, जो धड़ वाला एरिया होता है आपका, उसको काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और इलांगेटेड दिखाया गया है, लंबा दिखाया गया है। इसके बाद पांडियंस भी आते हैं, तो पांडे जो पावर में आते हैं तो उन्होंने भी आर्ट को पेट्रोनाइज किया। तो यहाँ पे एक केव है जिसको आपने याद रखना है, दैट इज तिरुमलाईपुरम केव्स। तिरुमलाईपुरम केव्स अगर आप देखोगे और जैना केव्स देखोगे सीतन वसल की, तो ये सर्वाइविंग एग्जाम्पल है जो कि पांडियन आर्ट से रिलेटेड है। पांडियन आर्ट से कौन कौन से, एक सीतन वसल केव्स, ये अभी आपने ड्रॉइंग देखी ना सीतन वसल केव के अंदर, तो ये वाली, तो ये पांडियन किंग से एसोसिएटेड है, ये चीज भी याद रख लीजिएगा। और तिरुमलाईपुरम केव, ये भी किससे एसोसिएटेड है, तो पांडियन किंग से ही एसोसिएटेड है। बहुत कम फ्रेगमेंट लेयर्स जो है पेंटिंग की वो देखी जा सकती है तिरुमलाईपुरम में, और सीतन वत्सल में जाओगे तो पेंटिंग जो है वो आज भी विजिबल है सीलिंग्स के ऊपर, वरांडास के ऊपर, ब्रैकेट्स के ऊपर। बट एज आई टोल्ड यू 2023 में अभी इन पे थोड़ा जो लोगों का आना जाना है वो कम कर दिया गया है, बिकॉज पेंटिंग्स खराब हो रही थी। पिलर्स के ऊपर देखोगे, बरांडा जो होता है ना उसमें आप देखोगे पिलर्स लगाए होते हैं, आज भी लगाए होते हैं ना घरों में भी, तो उन पिलर्स के ऊपर आप देखोगे जो वरांडा के पिलर्स हैं वहाँ पे डांसिंग फिगर्स दिखाई गई हैं सेलेस्टियल निम्फ्स के साथ। और उसके अलावा बहुत फॉर्मली इनको ड्रॉ करा गया है और वर्मिलियन रेड कलर यूज किया है, यानी वो जो सिंदूरी सा रेड कलर होता है ना उसको बैकग्राउंड में यूज किया गया है ऑन अ लाइटर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो होगा वो लाइट कलर का होगा, जो ड्रॉइंग्स करी गई हैं बहुत ब्यूटीफुली दैट इज विद द वर्मिलियन रेड, और जो बॉडी है उसको येलो कलर से भी दिखाया गया है विद सबटल मॉडलिंग। एज यू कैन सी इन द इमेज, ये देवी की पिक्चर दिखाई गई है पन्नामलाई में जो मिलती है 7th century CE, तो रेड कलर की शेड भी मिलेगी, बॉडी का कलर येलोइश सा मिलेगा और बैकग्राउंड जो है वो लाइट मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे सप्पल लिम्ब्स, लिम्ब्स भी दिखाए गए हैं यानी कि बाजू एंड ऑल, ये देखो हाथ दिख रहे हैं ना, ये जो टांगे और हाथों वाला रीजन होता है दैट इज द लिम्बिक पोर्शन। और फेसेस के ऊपर एक्सप्रेशन है, ये देखो आधी सी आंखें बंद हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिस्ट इनसे बात कर रहे हो। मूवमेंट भी काफी अच्छे से दिखाई गई है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो कितने ब्यूटीफुली और स्किलफुली चीजों को सोचा करते थे। इनकी आईज अभी देखा इलांगेटेड हैं और एट टाइम प्रोट्यूड भी कर रही हैं बाहर को, प्रोट्यूड मतलब बाहर को निकाली हुई दिखती है, ठीक है, ये देखो प्रॉपर दिख रही है ना ऊपर से कि यहाँ से आँख शुरू हो रही है, तो प्रोट्यूडिंग सा दिखा देते हैं, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो फीचर हैं ये ऑब्जर्व करे जाते हैं मेनली पेंटिंग्स में डेक्कन और जो साउथ इंडिया में, ये प्रोट्यूडिंग वाला जो बाहर को निकली हुई फीचर्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, डेक्कन और साउथ में। और ये जो ट्रेडिशन था ना बिल्डिंग टेम्पल्स का, ये क्या करता था, कार्विंग्स भी किया करता था और पेंटिंग भी किया करता था, तो हम नोटिस कर रहे हैं जो स्कल्पचर हैं पेंटिंग्स हैं अब इकट्ठी चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला किंग्स जिन्होंने रूल किया था 9th century to 13th century तक, 11th century में क्या होता है जो चोलास थे वो अपने जेनिथ ऑफ पावर पे पहुंच जाते हैं, जेनिथ मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो ये जो आए आपके पल्लवा पांड्यास और चोलास,
इन्हीं में देखते हैं चोलास कहाँ पे पहुंच चुके हैं, जेनिथ पे पहुंच चुके हैं अपनी पावर में ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। और जो चोला आर्ट है और आर्किटेक्चर है ये काफी ज्यादा फ्लरिश होता है। आप चोला आर्किटेक्चर में चोला टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह अलग से पढ़ते हो, एक नटराजा का स्टैचू हमें मिलता है ब्रॉन्ज स्टैचू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके अलावा टेम्पल जो बनता है बृहदेश्वर का एट थंजावर, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड दरासुरम, ये कहाँ पे बनते हैं सारे, तमिलनाडु के अंदर बनते हैं। तो ये किसके टाइम पे बने, तो चोला किंग थे एक राजा राजा उनके टाइम पे, जो उनका पुत्र हुआ करता था बेसिकली राजेंद्र चोला, उन्होंने बनवाए। एंड राजा राजा एक और राजा राजा करके चोला टू हुआ करते थे, इन्होंने भी बनवाए। ठीक है, तो ये जो पहला है दैट इज, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो क्या क्या आया, दैट इज बृहदेश्वर किसने बनवा दिया, राजा राजा चोला ने बनवा दिया। उसके अलावा गंगाईकोंडा चोलापुरम राजेंद्र चोला ने बनवा दिया, एंड दरासुरम जो है वो तमिलनाडु में राजा राजा चोला टू ने बनवाया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना इनको। दो ये जो चोला पेंटिंग थी ये आपको नर्तामलाई रीजन में भी दिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बृहदेश्वर टेम्पल वहां पे। और जो पेंटिंग्स थी वॉल के ऊपर उनको नैरो पैसेज में दिखाया गया था, जो श्राइन को पूरा कवर करके रखती थी। दो लेयर्स मिलेंगी आपको पेंटिंग की, एंड जो अपर लेयर थी उसको नायक पीरियड में ड्रॉ करा गया था, यानी कि 16th सेंचुरी में, यानी कि चोलास के बाद में। अब इतनी क्लीन तरीके से बनाई गई थी ये दोनों लेयर्स की, पता चल रहा था नायक काज ने कौन सा बनाया और चोला पीरियड के टाइम पे कौन सा बना था। उसके बाद जो पेंटिंग्स हैं वो नरेशन बताती हैं, कोई भी स्टोरी बताएंगी, जैसे रिलेटेड टू शिवा, कैलाश में रहते हैं शिवा, उनके ऊपर स्टोरी मिल जाएगी, शिवा को कैसे रिप्रेजेंट करा गया है, तो त्रिपुरांतका की फॉर्म में, यानी कि शिवा इज नटराजा की तरफ रिप्रेजेंट करे गए हैं। पोर्ट्रेट है, एक पेट्रॉन है राजा, राजा कौन है, राजा राजा, एंड इनके मेंटोर भी थे दैट इज कुरुवार, तो डांसिंग फिगर्स, तो इन सभी की स्टोरीज को मेंशन किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं विजयनगर म्यूरल्स के ऊपर, तो जो पेंटिंग्स थी बृहदेश्वर टेम्पल की वो एग्जाम्पलीफाई करती है हमें कि आर्टिस्ट कितने आर्टिस्ट इवॉल्व हो चुके थे ओवर द ईयर्स, लाइन्स कहाँ पे बहुत ब्रॉड ब्रॉड पिक्चर्स बनाई जाती थी, कहाँ पे अब बिल्कुल फाइन आर्ट्स बनाई जाने लगी। एज यू कैन सी ये दक्षिणामूर्ति विजयनगर लिपाक्षी टेम्पल में आपको मिल जाएगी, दैट इज आंध्र प्रदेश वाला एरिया। तो अब आप देखोगे कि इलॉन्गेशन कर दी जाएगी, यानी कि ह्यूमन फिगर्स को हम लंबा लंबा बनाया जाएगा। जो चोला आर्टिस्ट थे उन्होंने भी परफेक्शन अटेन करी, विजयनगर में आप और ज्यादा आर्टिस्टिक अटेन करते हुए देखोगे। अब जैसे जैसे चोला डायनेस्टी डिक्लाइन करी 13th सेंचुरी के आसपास, 11th में इनका जेनिथ चल रहा था, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर बनवाए, बहुत सारी स्टैचूज बनवाए इन्होंने। उसके बाद आते हैं 13th के बाद, दैट इज विजयनगर डायनेस्टी, 14th टू 16th सेंचुरी तक रहते हैं। अब इन्होंने चोला वाला रीजन कैप्चर कर लिया था, और हम्पी टू ट्रीची वाला जो एरिया है वहां तक इन्होंने सारा एक्वायर कर लिया, और जो हम्पी थी उसको कैपिटल बना दिया। बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो सर्वाइव करती हैं बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर, जैसे पेंटिंग्स हैं कहाँ पे, दैट इज तिरुप्राकुनरम, तो ये कहाँ पे मिलती है, नियर ट्रिची, ये 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, और अर्ली फेज रिप्रेजेंट करता है विजयनगर स्टाइल को। उसके बाद हम्पी में देखते हैं विरूपक्षा टेम्पल, तो यहाँ पे भी जो पेंटिंग्स हैं वो हमें सीलिंग के ऊपर मिलती है, यानी कि छतों के ऊपर मिलती है, और जो मंडप का छत हुआ करता था बेसिकली उसके ऊपर डायनेस्टिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि ये किंग आया फिर इनका सन आया, तो उस तरह से सारा रिप्रेजेंट किया गया। उसके अलावा एपिसोड दिखाए गए रामायण और महाभारत के, तो ये आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर स्टाइल में ये आपको रामायण और महाभारत की स्टोरीज भी नरेट होती हुई दिखेंगी ऑन द सीलिंग्स ऑफ मंडप। और इसके अलावा बिद्रियाना एक स्पिरिचुअल टीचर थे बुक्कराया हर्षा के, और इनको दिखाया गया है कि एक जो पालकी होती है ना पैलेंक्विन उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और उनकी जो इनकार्नेशन है विष्णु की वो दिखाई गई है। तो बुक्कराया हर्षा बीइंग कैरिड इन अ पैलेंक्विन इन अ प्रोसेशन, और इनकार्नेशन दिखाई गई है विष्णु जी की, एक अवतार दिखाए गए हैं विष्णु जी के, और जो फेसेस हैं इन फिगर के वो भी दिखाए गए हैं साथ में, और जो आईज हैं काफी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, और जो वेस्ट है यानी कि इनकी कमर है वो काफी पतली दिखाई गई है। लिपाक्षी के अंदर अगर आप देखोगे नियर हिंदूपुर, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ग्लोरियस एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको विजयनगर पेंटिंग्स के ऑन द वॉल्स ऑफ शिवा टेम्पल। ट्रेडिशन ये कंटिन्यू रहा, विजयनगर पेंटर्स इवॉल्व होते गए पिक्टोरियल लैंग्वेजेस से, जहाँ पे जो फेसेस थे उनको शो किया गया प्रोफाइल एंड फिगर्स के अंदर एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो डायमेंशन स्ट्रक्चर में। लाइन जो थी अभी भी वैसी ही दिखेंगी आपको डायनेमिक काफ़ी ज़्यादा, एंड उसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आर्टिस्ट ने वेरियस सेंटर अडॉप्ट कर लिए साउथ इंडिया के अंदर, और नायका पीरियड आता है, नायका पीरियड जो होता है उसमें भी हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाती हैं।
नायका आते हैं आफ्टर विजयनगर एम्पायर 17th एंड 18th सेंचुरी के आसपास तिरुपरापुरम वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। ये दिखाई गई है लिपाक्षी वीरभद्रा टेम्पल है विजयनगर एम्पायर के टाइम का। तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से लेडीज पार्वती को अटेंड कर रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। इसके बाद श्रीरंगम एंड तिरुवरूर तमिलनाडु, ये नायका की बात हो रही है। कहाँ कहाँ पे, एक तो तिरुपरापुरम और दूसरा आ गया क्या, दैट इज श्रीरंगम एंड तिरुवरूर तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा तिरुपरापुरम ये जो पेंटिंग्स हैं ये दो डिफरेंट पीरियड्स में मिलती हैं, 14th एंड 17th सेंचुरी में। जो अर्ली पेंटिंग्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा जैन से एसोसिएटेड है। और जो नायका पेंटिंग्स हैं वो एपिसोड बताती हैं महाभारत के भी, रामायण के भी, और इवन कृष्ण लीला से भी ये अब एपिसोड्स को उठाती हैं। कृष्ण लीला विजयनगर ने रामायण और महाभारत पे फोकस किया, इधर नायका में भी है महाभारत और रामायण, पर कृष्ण लीला को भी इंक्लूड कर दिया गया। तिरुवरूर में हम क्या देखते हैं, एक पैनल है जो कि स्टोरी ऑफ मुच्छू कुंडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चिदंबरम में अगर देखें तो बहुत सारे पैनल्स हैं पेंटिंग के जो कि शिवा और विष्णु की स्टोरीज को डिपिक्ट कर रहे हैं। कैसे, शिवा को दिखा रहे हैं एज भिक्षतना मूर्ति और विष्णु को दिखा रहे हैं एज मोहिनी। ठीक है, विष्णु को मोहिनी के रूप में दिखाया गया, शिवा को एज अ भिक्षतना मूर्ति। श्री कृष्ण टेम्पल है चेंगम में इन आरकोट डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे 60 पैनल्स हैं जहाँ पे रामायण की स्टोरी को रिप्रेजेंट करा गया है जब नायका पेंटिंग्स का लेट फेज चल रहा था। एग्जाम्पल दिखाए गए हैं नायका पेंटिंग के, कम एक्सटेंशन हुई है कंपेयर टू द विजयनगर स्टाइल और माइनर सी मॉडिफिकेशन है। ऑल दो स्टाइल बिल्कुल विजयनगर की ही तरह है, बट जो रीजनल मॉडिफिकेशन है वो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। एंड जो फिगर्स हैं मोस्टली फ्लैट बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ करी गई हैं। मेल फिगर्स काफ़ी स्लिम वेस्टेड दिखाए गए हैं और जो एब्डोमेन है वो उतना हैवी नहीं है इफ़ कंपेयर टू द विजयनगर एम्पायर। और जो आर्टिस्ट है पहले के साथ अगर कंपैरिजन करें तो दे ऑल्सो ट्राई टू इन्फ्यूज मूवमेंट और स्पेस को डायनेमिक दिखाया है। मतलब ऐसे लगेगा आपको पिक्चर देख के कि बात कर रही हूँ आपसे। और जो पेंटिंग्स हैं नटराजा की, शिवा की हिप फॉर्म एट तिरुवलनजुली, दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल फ्रॉम द नायका पीरियड। इसके बाद केरला में भी आपको मिरल्स मिलेंगे, किस टाइम पे, तो 16 टू 18 सेंचुरी के आसपास। यहाँ पे भी पिक्टोरियल लैंग्वेज इवॉल्व होती है, टेक्निक ऑफ दियर ओन, और वाइल क्या अडॉप्ट किया है तो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट अडॉप्ट करा है नायका और विजयनगर स्कूल्स का। अब जो पेंटर्स हैं दे इवॉल्व अ लैंग्वेज टेकिंग क्यूज फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन, जैसे कि कथकली और कुलम इजुथो। कथकली एंड कलम इजुथो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर में यहाँ पे त्रिप्रयार की है, श्री रामा टेम्पल वेणुगोपाल को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिचुअल फ्लोर पेंटिंग भी मिलती है हमें केरला में, अभी भी ये चलते हैं। बेंगलुरु वाले हिस्से में चले जाओ आज भी घरों के एंट्रेंस पे वो लोग पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं। बेसिकली रंगोली टाइप बनाते हैं, वाइब्रेंट और ल्यूमिनस कलर्स का यूज करके ह्यूमन फिगर को थ्री डायमेंशनली बनाते हैं। और जो ज्यादातर पेंटिंग्स होंगी आपको वॉल्स पे मिल जाएंगी, श्राइन्स के टेम्पल की वॉल्स पे मिल जाएंगी और इवन पैलेसेस के अंदर मिल जाएंगी। और ये जो पेंटिंग्स हैं फ्रॉम द केरला, उसके अलावा आपको यहाँ पे नरेशंस मिल जाएंगी, हिंदू माइथोलॉजी की रिलेशन में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आर्टिस्ट है दे हैव डिराइव्ड सोर्सेस फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन एंड लोकल वर्जन ऑफ द रामायण एंड महाभारत फॉर पेंटिंग ट्रेडिशन। इसके अलावा मोर देन 60 साइट्स अगर आप देखोगे दे हैव बीन फाउंड विद द म्यूराल पेंटिंग, जिसमें पैलेस इंक्लूड है, कौन कौन से, डच पैलेस है कोची का, कृष्णपुरम पैलेस है कायम कुलम का, एंड पद्मनाभापुरम पैलेस भी इसमें इंक्लूडेड है। तीन पैलेसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो केरला की म्यूराल पेंटिंग ट्रेडिशन है वो आपको पुंदारिका पुरम कृष्णा टेम्पल में भी दिखेगा, पनायन नार कावू यहाँ पे भी मिल जाएगा, थिरुकोडी थनम तेरी प्रयार, ऊपर अभी आपने पिक्चर भी देखी तेरी प्रयार की, ये वेणुगोपाल वाली। ठीक है, सो ये भी केरला पेंटिंग्स का ही एग्जाम्पल है। श्री रामा टेम्पल ऊपर देखा भी, त्रिशूर वदाकुंथम टेम्पल, तो आज भी अगर देखें तो बहुत सारी मिराल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, अंदर भी बनाई जाती हैं, बाहर भी बनाई जाती हैं, घरों के विलेजेस में देखोगे आप, हवेलीज में देख लो, कहीं भी देख लो, सभी जगह पे प्रेवलेंट हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा ये जो पेंटिंग्स है ना ज़्यादातर वेमेन ही बनाती हैं, चाहे सेरेमनी के टाइम पे बनाएंगी, फेस्टिवल के टाइम पे बनाएंगी, या फिर रूटीन फॉर्म में बनाएंगी, जब क्लीनिंग वगैरह होती है या डेकोरेशन होती है वॉल्स की तो तब बना देंगे। ट्रेडिशनल फॉर्म जो है विराल की
ये आज भी बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है, राजस्थान में देख लो, गुजरात में देख लो, मिथिला पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मिथिला पेंटिंग ये नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार में मिल जाती है। मिथिला पेंटिंग ये बेडरूम में भी बनाते हैं, इवन वर्शिप हॉल में भी बनाते हैं। वारली पेंटिंग्स ये आपको महाराष्ट्र में बनेगी, वो जो आप ड्रॉइंग्स करते हो ना इस तरह से इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये वारली पेंटिंग है। बेसिकली एक वारली ट्राइब है ऑन द सदर्न पोर्शन ऑफ द महाराष्ट्र, तो वो इसको बनाते हैं, रेड कलर की पेंटिंग्स बनाते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड होते हैं ऐसे जैसे होता है कुछ, ठीक है। सो उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। सो ये मिथिला पेंटिंग इवन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अडॉप्ट करी थी इन 2010 और रेलवे जो रेल्स थी उनके ऊपर ड्रॉ करनी शुरू करी थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू रीड द PDF यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम।